सब हेलो कर दो एक दूसरे को। हेलो जाने कहाँ पे अपने दांत और मेरे बावरे तुम्हें। तो अभी हमने एंट्री मार ली है यहाँ पे। कहाँ पे जाना आपको? नहीं तू तो कह रहा था। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री मार चुके थे, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। टॉयलेट करने आए हम बनारस की ट्रेन में आए टॉयलेट करने के लिए। पकड़ ना कैमरा पकड़। तो खाना वाना खा लिया होगा या खा ही रहे हैं वैसे सारे? बाकी मैं बचा हुआ अभी खाना खाऊंगा। ट्रेन चल चुकी है और मन तो कर रहा है गेट खोलने का, लेकिन खोलूंगा नहीं मैं। ये आ गए हमारे साथ मेरे भाई, कैसे हो? बढ़िया। गेट खोल सकता है क्या तू? गेट खोल सकता है? खोलना नहीं चाहिए। लेकिन खाने का सामान निकाल रहे अपन, जैसे कि मैं आपको टाइमिंग बता दूं। अभी टाइमिंग हो रखा है 11:30 टाइमिंग हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक बाद में पियेंगे जब सब आ जाएंगे, वरना लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे कि हमने ज़्यादा पी ली हमने कम पी ली। ऐसा लग रहा कोई एकदम आ गया फिर भाई। बहुत देखो गर्म वो धुंध भाई, कुछ दिग्रज क्या आएगा। कोई एकदम आ गया ऐसा लग रहा है, आत्मा वात्मा आ जाए वो भाई। कुछ नहीं दिख रहा भाई, बंद करो चलो। बंद करो तो जी, फाइनली हम बनारस पहुंच चुके हैं। हाँ बनारस पहुंच चुके हैं फाइनली। बनारस कितने घंटे का सफर हो गया हमें खुद नहीं पता। 16 घंटे का कम से कम। 16 घंटे हो गए कम से कम। 16 घंटे। हाँ थोड़ी लेट हो गई। हाँ जी चलो ले हो। अभी अब होटल के लिए निकल रहे हैं हम यहाँ से। होटल के लिए निकलते हैं यहाँ से। फोटो सेशन हो रहा है, डिस्टर्ब ना हो जाए कोई भी। कितने गंदे बाल हुए पड़े मेरे, बहुत ज्यादा गंदे। लाइटिंग कहाँ से आ रही है? बहुत ही ज्यादा गंदे बाल हुए पड़े मेरे। यहाँ फोटो शूट चल रहा है बहुत बढ़िया सभी का। गांधी जी बने हुए थे ये, मैंने सोचा ले लूं मैं यहाँ पे। तो ये होटल है हमारा, ये वाला होटल ही है, पूरा आलीशान होटल है। अभी अंदर से देखें ना एंट्री। चलो आओ चलते हैं, चलते हैं आ जाओ। तो अभी फिलहाल स्टोरेज की कमी की वजह से लैपटॉप भी साथ लेकर आया हूँ मैं। ये बैग में लैपटॉप रखा हुआ है। यहाँ भी लग रहा है, लगता है बीड़ी पी गई है, ऐसा लग रहा है बीड़ी की स्मेल आ रही है। कैमरा मैन है ऐसा मजेदार गजब होटल है। बाथटब होना चाहिए यार, प्रेशर प्रेशर भी बहुत अच्छा आएगा यहाँ पे। बाथटब होना चाहिए, बाथटब।
बाटा बनाची है यहाँ। और ये वाला और कौन सा सर, ये वाला? ये वाला नहीं भाई, मैं तो ये ले रहा हूँ। ओए भाई ये लेते हैं बिल्कुल, ये वाला एक क्या प्यारा है भाई। चलो ये सब सेम ही था। ये एक ये कमरा है और एक ये कमरा है, ये भी अच्छा है वैसे तो। हाँ सही है, बस नहा धो के हम अपना आरती वारती के लिए निकलेंगे, नहा धो के। और पूरा सफ़र हमारा ट्रेन में ही बीत गया, मतलब ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था ट्रेन के, हम मतलब कोहरा बहुत ज़्यादा था रास्ते में, तो इस वजह से बहुत डिले हो गया। क्योंकि यहाँ टेंशन ये हो रही थी कि लैपटॉप रखा हुआ ना यहाँ पे, तो ये भाई साहब अच्छा लगा, अच्छा लगा, ये आपने खोल के दिखा दिया कितना अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई साहब। उस वाले से दूसरे रूम से तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है और पूरी वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है। तो जो कट में लेने वाला था तो वो कट में ले नहीं पाया, दोबारा से लेता हूँ वो कट। गंगा आरती के लिए हम निकल चुके हैं, घाट पे जा रहे हैं, अभी हम निकल चुके हैं होटल से, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, बहुत जल्दबाजी में सारे काम हुए हैं। आरती हो रही है, जाना भैया राजेंद्र प्रसाद घाट के तरफ से अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। नेटो वही इसका लगा हर हर महादेव, हर हर गंगे भैया। बढ़िया दर्शन हो गए, उम्मीद नहीं थी कि दर्शन हो पाएंगे लेकिन हम घुस गए भीड़ के अंदर। इधर की खींच ले, लाल दर्शन हो चुके हैं हमारे और अभी हम यहाँ खाना वाना खाने जा रहे हैं और या फिर होटल जाएंगे सीधा, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में बहुत जल्दी घर पहुंचना, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। और तो शिव सारी दुकानें बंद, और शिवजी के मंदिर भी गए थे तो वहाँ पे कैमरा फोन कुछ भी अलाउड नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी, तो वहाँ से हाँ तो वहाँ से सीधा हम आए हैं फ्री होके। अब दर्शन वर्शन कर लिए हमने, खाना वाना अगर मिलता है तो ठीक है, क्योंकि 10 बजे लॉकडाउन हो जाता है वरना ऐसे ही सोएंगे। और अगर होटल में खाना मिलेगा तो होटल से खाएंगे, और क्या होगा। तो अभी हम होटल में आ चुके हैं, रेस्टोरेंट में, मतलब जो हमारा होटल हमने बुक किया हुआ था उसी में खाना वाना मंगा लिया। अभी खाने की इतनी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। I'm not the one who's always right.
चाय बनाते चलो, इलेक्ट्रिक वाले बनती है, इलेक्ट्रिक वाले तो मौसी चाय चाय तो पीनी बनती है भाई। बहुत ज्यादा थके हुए हैं, सीधा एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करनी पड़ेगी अभी और ब्लॉग व्लॉग करने नहीं, उसके बाद अभी न्यू ईयर की भी है। न्यू ईयर का पता नहीं बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, आज नहीं बना पाएंगे, ऐसे नहीं बना चाय पी के बनाएंगे 31 दिसंबर चाय पी के बनाएंगे और बाकी इंजॉय पूरा हुआ। खाना पीना भाई साहब इतना टूट पड़े, इतनी भूख थी कि टूट पड़े उसको शूट ही नहीं गया, इतना मतलब भूत भूख लगी हुई थी बहुत तगड़ी। 10 बजे का लॉकडाउन भी हो गया था वो तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो और भाई जो भी है हल्ला गुल्ला हो गया, चलो जो भी है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो व्लॉग को मेरे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ये सबके दुख कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, सबकी खुशियाँ ही खुशियाँ हो जिंदगी के अंदर और खुश रहो हमेशा बस। बाय।